हेलो एंड वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, दिवाली हमने मना ली है, सारे त्यौहार फिनिश हो गए हैं, मेहमान भी आकर जा चुके हैं और ये जो बेचारी खीलें पड़ी थी रसोई के किसी कोने में, तो वो बार बार मेरे सामने आ रही हैं और मुझसे कह रही हैं, भाई मैं भी खाने के लिए ही आपके घर में आई थी, तो आपने मुझे ऐसे क्यों छोड़ रखा है। तो चलिए, अब थोड़ी सी फुर्सत मिली है तो अब इन खीलों का भी हम यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, दिवाली पर सबके घर में खील तो बहुत आती हैं लेकिन वो बहुत टाइम तक ऐसे ही रखी रहती हैं, तो आज हम बनाएंगे खीलों से एक स्पेशल चीज़ और वो होगी खील की चाट। तो दिवाली पर जो ये खीलें आई थी, आज इनसे बनाएंगे हम कुछ चटपटी चाट। मीठा बहुत खा चुके हैं और अब हम कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है, तो अब हम बनाएंगे खील की चाट। उसके लिए सबसे पहले मैंने खीलों को साफ़ कर लिया है और अच्छे से उनको रोस्ट कर लिया है घी में। अगर आप घी में ना करना चाहें तो आप हल्के से रिफाइंड भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सारी खील को जो रोस्ट कर लिया है घी में हल्का हल्का, तो आप ऐसे रोस्ट करके खील को रख सकते हैं और आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं किसी कंटेनर में। तो मैं इस कंटेनर में इसको डाल के रखूँगी और जब भी आपको खील यूज़ करने का मन हो तो आप इसको खील से चाट बना सकते हैं। और मैं आपके अभी बताती हूँ मैं इसको कैसे यूज़ करती हूँ। मैं इसको इस तरह से डब्बे में भर के रख देती हूँ और जब भी हमारे घर में किसी का चाट खाने का मन होता है तो इस डब्बे में से बस वो खीले निकालते हैं और जो प्याज टमाटर वगैरह काट के चाट बन जाती है। आपके बच्चे भी खील की चाट आसानी से बना सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे पास है उबला हुआ आलू। अगर आपके पास उबला हुआ आलू है चाट में डालने के लिए तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हो। ये उबले हुए आलू हैं, इनको मैं हल्का बिल्कुल डाइस कर लूँगी छोटे छोटे टुकड़ों में। चाट बनाने के लिए चॉप प्याज और टमाटर यूज़ कर सकते हैं और हरी मिर्च अपने स्वाद अनुसार। और मैं इसमें आलू डालूँगी और इनको मैं बारीक बारीक काट लूँगी। तो मैंने इनको बारीक बारीक काट लिया है। आलू से बहुत अच्छा टेस्ट आता है फ्रेंड्स। और आपके घर में जितनी भी नमकीन वगैरह रखी हैं तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, ये है खट्टा मीठा नमकीन और ये है मठरी, जो अभी दिवाली पर इतने सारे स्नैक्स आए थे घर में, तो दिवाली की बची हुई खीलों को यूज़ करना है तो उन स्नैक्स को भी डिफरेंट वे से यूज़ करना है। तो मैं और यहाँ पर ले रही हूँ मूँग दाल। आपके पास जो भी नमकीन अवेलेबल हो घर में तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी स्टार्ट करते हैं खील की चाट बनाने के लिए। यहाँ पर मैंने बहुत सारा ये जितनी भी नमकीन है मेरे पास अवेलेबल थी वो सब मैंने रख ली हैं। आलू को बारीक बारीक काट लिया है और मेरे पास प्याज टमाटर है और हरी मिर्च है और मैं अब यूज़ करूँगी खील की चाट। कैसे बनाते हैं, लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड, जब भी आपको खील की चाट बनानी हो तो आपने जो रोस्ट करके जो खील रखी हैं उनको थोड़ा सा और ड्राई रोस्ट कर लीजिए। अभी मैंने तो अभी की थी तो इसलिए मैं इसको दोबारा नहीं कर रही हूँ। तो ये अभी भी बहुत क्रंची हैं, तो अच्छे से क्रंच हो रहा है ये। तो जितनी भी आपको बनानी है आप उसमें एक बाउल में ले लीजिए और इसमें बस जो भी आपको इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो सब डालते रहिए। ये हम अभी खाने वाले हैं तो मैं अभी इसमें थोड़ा सा प्याज ऐड कर दूँगी। और फ्रेंड्स, जब भी आपको खाना हो तभी बनाइए, अदरवाइज़ ये बहुत सॉगी हो जाती है। टमाटर डाल दिया है मैंने इसमें, अब इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा आलू। लेट इट गिव अ मिक्स, नाइस मिक्स। एंड बस उसके बाद डालना है आप स्वादानुसार नमक डालिए, सादा नमक है ये, और मिर्ची जितनी आपके बच्चों को और आपको पसंद हो, आमचूर पाउडर है ये थोड़ा सा, बहुत कम डाला है मैंने ये। और इसके बाद जो भी आपके पास चाट मसाला अवेलेबल है वो डाल लीजिए। और मैं इसमें एक चीज़ और डालूँगी, ये है इमली का पल्प। मैं इसको अपने फ्रिज में बना के हमेशा रखती हूँ, तो ये फ्रिज में रखा हुआ है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसमें नींबू भी डाल सकते हो। तो मैं इसमें थोड़ा सा एक चम्मच डाल दूँगी ताकि खट्टा फ्लेवर आए और ये बहुत टेस्टी लगे। अगर आपको मीठा पसंद है तो इसमें आप सॉस भी डाल सकते हैं, टमाटो सॉस। तो अब बस मैं डालूँगी इसके अंदर खट्टा मीठा नमकीन। मूंग दाल और ये वाली नमकीन भी आप फ्रेंड्स, आपने ये वाली नमकीन खाई होगी, इसके साथ एक और मसाला भी रेडीमेड मिलता है तो वो मेरा फिनिश हो गया है, तो उसको भी आप डाल सकते हैं इसके अंदर। फिर आप इसको क्रंच करके डाल दीजिए।
लेट इट गिव अ नाइस मिक्स। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि इसके सारे जो इसके अंदर जो भी हमने सामान डाला है वो सब अच्छे से मिक्स हो जाए। तो अभी मुझे थोड़ा ही ड्राई लग रहा है तो इसमें मैं थोड़ा सा और इमली का पल्प डाल दूँगी। चाट जो होती है थोड़ी सी सौगी सौगी अच्छी लगती है, लेकिन बहुत ज़्यादा सौगी नहीं होनी चाहिए। तो मैंने इसमें थोड़ा सा और डाल दिया है इमली का पल्प, और ये है मेरे पास पड़ी है मठरी, तो छोटे टुकड़ों में तोड़ कर डाल दूँगी, इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें मैंने डाली हैं वो आप भी डालें, आपके पास जो भी अवेलेबल हो किचन में वो सब डाल दीजिए और टेस्ट कीजिए एक चटपटी चाट का। और लास्ट में मैं डालूँगी चाट मसाला, इससे तो बहुत एनहांस हो जाएगा इसका टेस्ट। फ्रेंड्स अभी मेरे पास धनिया नहीं था तो वो नहीं डाला, तो आप धनिया पत्ता भी काट के अच्छे से डाल सकते हैं। तो अभी देखिए लग रहा है चाट जैसा, और इसको थोड़ा सा और टेस्टी बनाने के लिए मैं यहाँ पे टमाटो सॉस भी ऐड कर रही हूँ, टमाटो केचप। बच्चों को खाना है तो थोड़ा सा मीठा फ्लेवर आएगा तो और अच्छा लगेगा। तो मेरी तो खील जो पड़ी थी दिवाली की वो यूज़ हो गई। तो फ्रेंड्स प्लीज़ कमेंट करके बताइए आप खील को कैसे यूज़ करते हैं, और अगर आपको मेरा ये खील चाट का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही डिलीशियस रेसिपीज़ की वीडियोस देखने के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय, जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इन्जॉय करिए, चाट बनाइए और खाइए।